हेलो फ्रेंड्स, जामिया स्कूल 2022-2023 का कंबाइंड प्रोस्पेक्टर आ गया है। कंबाइंड मतलब जितने भी जामिया में 5 स्कूल है उनका 5 का 5 का प्रोस्पेक्टर आ गया है। इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फी, एलिजिबल कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, लॉटरी कब निकलेगी, ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करने के लिए आपको जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टर 2022-2023 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने प्रोस्पेक्टर डाउनलोड होकर आ जाएगा। प्रोस्पेक्टर स्कूल 2022-2023 कंबाइंड प्रोस्पेक्टर है। मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, जामिया मिडिल स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सेल्फ फाइनेंस है। इसकी फीस जो है थोड़ी इंक्रीज है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनका कंबाइंड ये प्रोस्पेक्टर है। अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी है किसी स्कूल में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल के जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी दे दिया, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया, आप ईमेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। 15 अप्रैल 2022 फ्राइडेज के दिन से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करने होंगे। 13 मई 2022 लास्ट डेट है। डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट एंड ड्रॉ ऑफ लॉटरी, जो आपकी लॉटरी निकलती है वो डेट भी यहां पे मेंशन कर दिए। नर्सरी क्लास की 7 जून 2022 को जो है उनकी लॉटरी निकलेगी। नर्सरी क्लास में एंट्रेंस नहीं होता, उनकी लॉटरी लकी ड्रॉ होता है, 7 जून 2022 को लकी ड्रॉ होगा। प्री क्लास के 8 जून 2022 को होगा। टाइमिंग मेंशन कर दिया 10 AM, इस टाइम में आपको वहां पे जाना होगा। 8 जून 2022 को फर्स्ट क्लास की लॉटरी निकलेगी। 4 जून 2022 सैटरडे 10 AM से 12 PM तक क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम होगा। 31 मई 2022 को क्लास 11 साइंस का एंट्रेंस एग्जाम होगा। यहाँ पे आप डेट चेक कर लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेल फॉर रिगार्डिंग एडमिशन। नंबर 4 सीट अवेलेबल फॉर नर्सरी में 140 सीट है नर्सरी क्लास में। एज फॉर लिमिट, कैंडिडेट अप्लाई फॉर नर्सरी शुड बी बिटवीन 2-3 ईयर्स और ईयर के बीच उनकी एज होनी चाहिए। वही कैंडिडेट फिल करें जिसकी एज जो है 3 ईयर से 4 ईयर के बीच में हो। एज जो काउंट होगी 31 मार्च 2022 से काउंट होगी। मैक्सिमम 5% टोटल अवेलेबल सीट है रिजर्व जम्मू कश्मीर कैंडिडेट की। पेरेंट्स के पास ये एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड एंड लेडीज फोन नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके पास होने चाहिए। एंट्रेंस एप्लीकेशन फी जो रहने वाली है, जो आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करोगे उसकी 300 फी रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी, जिसमें जामिया में जो रिजर्वेशन होता है 40% मुस्लिम रिजर्वेशन होता है, जिसमें 30% रिजर्वेशन जो होगा वो मुस्लिम का होगा, 10% मुस्लिम वोमेन का रिजर्वेशन होता है और 10% जो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन होता है। 5% सीट जो है फिजिकल कैंडिडेट की होती है, यानी पीडब्ल्यू कैंडिडेट की 5% सीट होती है। कैंडिडेट फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो सीट होती है 2 सीट जो है उनकी फिक्स होती है। लिस्ट ऑफ कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी, मुस्लिम वोमेन कैटेगरी, ये कैटेगरी होती है, इनका जो है रिजर्वेशन होता है 50% जो जनरल का होता है, 40% मुस्लिम होता है, मुस्लिम वोमेन का 10% होता है, मुस्लिम ओबीसी का 10% रिजर्वेशन होता है, पर्सनल एंड विद डिसेबिलिटी का 5% होता है। जम्मू कश्मीर माइग्रेट कैंडिडेट का जो है 2 सीट जो है फिक्स होती है। पॉइंट 5 में एडमिशन स्क्वाडवेल 2022-2023 सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यहां पे सीट दे दी है। क्लास 6 में जो है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसमें सीट जो है 40 है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्कूल में फॉर्म फिल करना है, इसलिए हम आपको और डिटेल बता रहे हैं।
क्लास 11 में जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में 100 सीट है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 200 सीट है। क्लास 11 में साइंस साइड में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 40 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में 20 सीट है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 सीट है। क्लास 11 में आरट में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में 20 सीट है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 80 सीट है, जामिया क्लास 11 में कॉमर्स में 40 सीट है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 20 सीट है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 सीट है। एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जो स्टार्ट हो गए हैं 15 अप्रैल 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 13 मई 2022 लास्ट डेट है। आपका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है 5 जून 2022 को रिटर्न टेस्ट होगा, टाइमिंग जो है 10 एम से 12 पीएम तक होगा। क्लास 6 का, क्लास 9 का जो है 4 जून 2022 को होगा, टाइमिंग जो है 10 एम से 12 पीएम है। क्लास 11 साइंस साइड का 30 मई 2022 को होगा, क्लास 11 आर्ट साइड का 1 जून को होगा और क्लास 11 कॉमर्स साइड का 1 जून को होगा। यहाँ से आप डेट चेक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट है, बट ये डेट जो है टेंटेटिव है, डेट जो है चेंज हो सकती है। नर्सरी स्कूल में 140 सीट है, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में आपको फॉर्म फिल करना होगा, सिर्फ इसमें ही मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में 140 सीट है। प्री स्कूल में जो है आपको सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फॉर्म फिल करना होगा, 35 सीट है। फर्स्ट क्लास में जो है 40 सीट है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कौन से स्कूल में फॉर्म फिल करना है। ड्रॉ ऑफ लॉटरी जो आपकी लॉटरी निकलेगी, जिसे लकी ड्रॉ बोलते हैं, 7 जून 2022 को निकलेगी नर्सरी क्लास की, और आपकी प्री क्लास की जो है 8 जून 2022 को निकलेगी। फर्स्ट क्लास की भी 8 जून 2022 को लकी ड्रॉ होगा। फर्स्ट लिस्ट जो डिस्प्ले पे आएगी 9 जून 2022 को फर्स्ट लिस्ट डिस्प्ले पे आ जाएगी। इसके बाद हम एज की बात कर लेते हैं। नर्सरी क्लास में 3 ईयर से 4 ईयर के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए, प्री क्लास में 4 ईयर से 6 ईयर के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में 5 ईयर से 7 ईयर के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर होगा वो दिल्ली में होगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट यानी सिलेबस की बात कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ सेक्शन सिलेबस की बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट स्टडी के जो है 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के जो है 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, लैंग्वेज इंग्लिश के टेस्ट जो होगा 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे क्लास 9 का एंट्रेंस सिलेबस दे दिया, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, सोशल साइंस के जो है 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। क्लास 11 साइंस साइड का सिलेबस दे दे, इंग्लिश के क्वेश्चन 25 होंगे, जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। क्लास 11 आर्ट साइड का यहाँ पे सिलेबस दे दिए, क्लास 11 कॉमर्स साइड का यहाँ पे सिलेबस दे दिए। यहाँ से आप सिलेबस चेक कर लीजिए। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट आपका पेपर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे दे दिया, पेपर भी एक तरह से चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपका पेपर आएगा। ओएमआर सीट में इस तरह से आपको क्वेश्चन फिल करने होंगे, ये आपके करेक्ट मेथड है, और इससे रिलेटिव आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट मिलती रहे।